मैं लेके आ गया हूँ आपको रॉयल मशीनरी के पास, जहाँ पे मशीनें तैयार होती है। प्रीति जी हैं आज हमारे साथ में। मैम कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम। काफी अच्छी अच्छी मशीनें हमेशा दिखाते रहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। जी सर, आज हम क्या दिखाने जा रहे हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं मोमोज मेकिंग मशीन के बारे में। जी, जैसे हर एक जगह लगते, चाहे आप ऑफिस के बाहर निकलते हो तो एक मोमोज की स्टॉल लगती है, कॉलेज के बाहर लगती है, मार्केट में अगर जाते हो मार्केटिंग करने तो इसके बाहर भी एक स्टॉल मोमोज की लगी लगी होती है। बिल्कुल, गाँव से लेके शहर तक हर जगह मोमो चलने लगा। पहले तो शहरों में ज्यादा फैशन था, बट अभी के टाइम में गांव में भी लोग तसल्ली से मोमो खा रहे हैं। बिल्कुल सर, हर एक जगह इसकी डिमांड होती है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। आजकल तो बूढ़े जवान सब बहुत ही चाव से खाते हैं ये मोमोज, तो आजकल बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। तो ये देख सकते हैं, आप भी चाहते हैं अनहाइजीन से बचना तो आप ये मोमोज मशीन परचेज करके अनहाइजीन से भी आप भी बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये छोटी सी प्यारी सी जो मशीन दिख रही है ये मोमो मेकिंग मशीन है, और ये मशीन जो है आप ले सकते हैं सीधा मैन्युफैक्चरर से। और ये छोटी सी मशीन मैम क्या प्रोडक्शन वगैरह देती है, कैसे काम करती है, थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। सर इसमें आपको दो सेट मिलेंगे, एक आती है राउंड मोमोज मशीन आती है और एक आती है डंपलिंग मोमोज मशीन। राउंड वाली में आपको सिर्फ गोल सी बनके तैयार होती है, जो गोंद की लड्डू की तरह बनती है। राइट राइट राइट। और डंपलिंग में आती है आपको गुझे की साइज की और एक हाफ मून की, हाफ मून आप बोल सकते हो उसको। जी जी, वो दो तरह की बनती है। मतलब डंपलिंग में आप डाई चेंज सकते हो, बट आप अगर आप राउंड मोमोज मशीन लेते हो उसमें आप डाई चेंज नहीं कर सकते। आप डाई चेंज कर सकते हो, पर घंटे में आपको 2,500 से 3,000 पीस आपको बना के तैयार करेंगे पर घंटा। जी सर, यानी काफी अच्छा प्रोडक्शन देता है। बिल्कुल सर, अगर बड़े पैमाने पे आपको काम करना है, अगर आप सोच रहे हो अपने एरिया में जो भी मोमो सप्लायर है उनको सप्लाई देना है, या आपका ही 8-10 अलग अलग स्टॉल है, बिल्कुल तो आप इस मशीन को ले सकते हैं। जी आप ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगी सर कि जैसे कि अगर आप मोमोज बनाते हो, हम वहां बहुत ही चाव से खड़े होते हैं खाने के लिए, आप हाथ से बनाते हो, हाथ आपका कैसा है, कितनी गंदगी, हाथ में कितने कीटाणु आपको भी नहीं पता होता। जी, जी, लेकिन आप खा लेते हैं वही कीटाणु अंदर बीमारी फैलाने लगते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अनहाइजीन से बचना तो ये देखो मशीन, ये आप देख सकते हो सर, ये आपकी हॉपर है जिसमें आप मसाला बना के इसमें रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपना मैदा गूंथ के यहाँ आप रख सकते हो। ओके जी, यहाँ से जब आप रखोगे ये आप देख सकते हो ये स्क्रॉलर है, लेंथ अगर आप पतला मोटा अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। यहाँ से आप बनाओगे, यहाँ से आपका मोमोज बनके तैयार हो जाएगा। वाओ, तो ये वो मशीन है जो मोमोज तैयार करेगी आपका, और बहुत छोटी सी मशीन है, ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है मैम एक 10x10 का भी कमरा है। बिल्कुल सर, ये सिंगल फेस है, घर की बिजली से चलेगी। घर की बिजली से चलेगी, वाओ ये भी एक प्लस पॉइंट है। और ये भी देख सकते हो इसमें ये भी चीज है सर कि ये स्क्रॉलर दिया हुआ है, आप अगर अपने अकॉर्डिंग ज्यादा स्पीड में काम करना चाहते हो, कस्टमर बहुत ज्यादा खड़े हो चुके हैं, अगर चाहते हो जल्दी से अपना वर्क करना तो हाई स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप हॉपर में मसाले डाले हो वो भी अगर चाहते हो कि जितना जल्दी तैयार हो सके उतनी जल्दी हमारे लिए बेटर होगा, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ भी आपका स्क्रॉलर दिया हुआ है। ओके ओके, अपने अकॉर्डिंग आप हाई स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। जी सर, तो प्रोडक्शन आप अच्छा खासा इस मशीन से ले सकते हैं, और बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन बनाया गया है, और ये आपको मिल रहा है रॉयल मशीनरी की तरफ से। मैम ये मशीन की बात करें तो ये मशीन क्या कॉस्ट पड़ती है इसकी? सर कॉस्ट जानने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबर पे कॉल करो, वहां पे हम आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में बता देंगे। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं सर कि इसके साथ अगर आप वेजिटेबल कटर भी परचेज करना चाहते हो तो वेजिटेबल कटर भी आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए हम आपको वेजिटेबल कटर दिखाते हैं। ओके, वो भी होते हैं आपके पास? जी सर, तो यहाँ पे वेजिटेबल कटर भी आपको मिल जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप मोमोज का काम करने की सोच रहे हैं। ये आपकी वेजिटेबल कटर है, वो भी आपकी वेजिटेबल कटर है। इसके साथ साथ अगर चिकन का आप मोमोज बनाना चाहते हो तो उसके साथ आप कीमा मेकिंग मशीन भी आप परचेज कर सकते हो। राइट, वो भी आपके पास मिल जाएगा। जी सर, ये आप देख सकते हो, ये आपकी कीमा मेकिंग मशीन है, इसमें आप अपना मटन चिकन जो भी डाल सकते हो आप डालो, यहाँ से आपका निकल के तैयार हो जाएगा। ओके ओके ओके, यानी लघु उद्योग से जुड़ी हुई तमाम तरह की मशीनें मिलती है यहाँ पे। और बात करें मोमोज मशीन के साथ साथ हमारे पास अगर आप मोमोज मशीन परचेज करते हो तो जैसे कि अगर आप मैदा गूंथते हो तो हाथ से भी अगर आप गूंथते हो तो हाथों में दर्द होने लगती है, और कस्टमर में क्वांटिटी में मुश्किल है। ये आप देख सकते हो हमारे पीछे आपको डोनेटर। ओके, इसमें आप 5 kg का भी परचेज कर सकते हो, 10 kg का, 15 kg का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देख सकते हो ये हमारे पास ये है डोनेटर, इसमें आप अपना मैदा रख के इजीली आप गूंथ सकते हो। 15 kg के सर ये, 10 kg का भी अगर आप लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, 5 kg का भी आप ले सकते हो। ओके, तो ये डो मेकर भी है यहाँ पे, आपको आटा गूंदने के लिए जो है अब हाथ का सहारा नहीं लेना है, तो पूरा जो है हाइजीन सिस्टम से काम होगा यहाँ पे। अगर आप मोमो शीट बनाते हो, जैसे कि अगर मोमोज बनाते हो आप तो हाथ जो गोल होती है वो शीट जो तैयार करते हो, गोल रोटी की तरह बेलते हो, वो भी हमारे पास परचेज कर सकते हो आप। मैं आइए आपको दिखाते हैं मोमो सीट मेकिंग मशीन। ये देखिए, इधर से आप डो डालेंगे और ऑन कीजिए मशीन को, और ये देखिए ये आपका स्क्रॉलर दिया हुआ है, लेंथ अपने अकॉर्डिंग आप पतला मोटा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सर कितनी सुंदर पूरी की तरह आपकी ये शीट निकल के तैयार हो चुकी है।
वक्त क्या, अगर आप मोमोज बनाते हो तो उससे आपको पहले बेलने की जरूरत पड़ती है, तब जाके आप मसाले भरते हो, राइट। वो भी आपको अब करने की जरूरत नहीं है, आप ये मोमो शीट परचेज करके इजीली अपना काम कर सकते हो आप। वाओ, अमेजिंग, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और मेरे ख्याल से इवन पूड़ियां बनाने के लिए भी लोग यूज करते होंगे। अगर आपका आटा यहाँ चिपकने लगे तो आप देख सकते हो, ये भी यहाँ पे आप सूखी आटा भी यहाँ डाल सकते हो। ओके ओके ओके, तो ये मशीन भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कुल मिला के आपको अगर मोमोज मेकिंग मशीन लेनी हो, मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो हर तरह की मशीन यहाँ पे अवेलेबल है। और ये छोटी सी मशीन है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट मशीन है। मैम बात कर रहे थे हम मशीन की, तो ये मशीन अगर कोई लगाता है तो लोगों को लगता है इसका क्या बैकअप वगैरह है, क्या सर्विसिंग वगैरह है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ से कोई भी मशीन अगर आप परचेज करते हो तो आपको 1 साल की वारंटी या 5 साल की आपको फ्री सर्विस मिलती है। ऑल इंडिया आपकी डिलीवरी है? बिल्कुल सर। ओके, तो अब आप ये मशीन ले सकते हैं, गांव है, शहर है, कहीं पे भी अगर आप सोच रहे हैं मोमोज का बड़े पैमाने पे बड़े लेवल का काम करना, तो ये मशीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सारी चीजें हमने जानने की कोशिश की है मशीन के बारे में, मैम आइए दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, तो सर सबसे पहले इसका मैं डेमो करके दिखाती हूँ और इसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि सर अगर आप मोमोज बनाते हो तो अगर आटा आपका बहुत ज्यादा गीला हो चुका है तो मैं गीले के लिए बताती हूँ, आप यहाँ पे सूखे आटे भी डाल सकते हो ताकि आपका आटा चिपके ना और बहुत इजीली बहुत ही आसानी तरीके से ये बनके तैयार हो जाए। ओके ओके, यहाँ पे डालते हैं और इधर निकलता है, आटे यहाँ डालते हैं जी। और यहाँ पे अगर आप आटा गूंथ चुके हो तो यहाँ आप अपना मैदा डालो ताकि यहाँ पे इजीली आपका इस तरीके से आपका मोमोज बनके तैयार हो सके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये मैदा लगा दिए हैं हम, आटा मैदों को गूंथ के, फिर आप देख सकते हो पीछे मैंने आटा लगा दिया है ताकि आपका ये चिपके ना कहीं भी तरीके से। ये देख सकते हो आपका मैदा यहाँ लग चुका है और यहाँ से आपका इजीली आप मोमोज, जो डंपलिंग मोमोज होती है वो आपकी बनके तैयार हो चुकी है सर, ये देख सकते हो। अगर आप ये हाथ से बनाते हो तो 2 से 3 दिन तक नहीं रख सकते क्योंकि ये टूटने लगता है। अगर आप ये मशीन से बनाते हो तो इजीली आप 10 से 15 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए, तो मोमो जो बिल्कुल तैयार हैं और गर्मा गर्म इसको आप जो है बना सकते हैं, आप ये रेडी है इस तरह का। तो इसकी यानी कि कैपेसिटी जो है स्टोर करने की भी बढ़ जाती है अगर मशीन से बनाते हैं तो, या आप इसकी कैपेसिटी अगर आप स्टोर करके रखते हो 10 से 15 दिन तक इजीली आप रख सकते हो। तो ये देखिए आपके सामने में इस तरह के मोमो साइज अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको इससे बड़े साइज की चाहिए तो सिर्फ आपको डाई चेंज करनी है, डाई चेंज करके इससे बड़ा साइज आप बना सकते हो। ये देखिए यहाँ से मोमोज तैयार हो रहे हैं और ये देखिए किस तरह से निकल रहे हैं। वाओ, तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं मोमो का प्लांट लगाने की तो यहाँ पे मशीनें आपको मिल जाएगी और बहुत ही आसानी से आप अलग अलग साइज अलग अलग तरह के मोमोज यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। सर ये पर घंटे पे आपको 2,500 से 3,000 पीस बना के देगी। और सबसे अच्छी बात ये बता दूं सर, अगर आप ज़्यादा मतलब जल्दी अगर कहीं जाना आप जल्दी में अपना काम करना चाहते हो तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे स्क्रॉलर दी हुई है। ओके, इसे आप अपना स्पीड हाई कम जितना भी करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आप देखो, ये देखिए स्पीड आप देख सकते हैं कम और ये मसाले के लिए इसके नीचे आप दी गई है मसाला, अगर जितना जल्दी आप बनाना चाहते हो देखो ये आप बना सकते हो। स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल हमने डाल दिए हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।